अनुसार से कुल यात्रा के व्यय में से उसका 5% स्थानीय उत्पादों को क्रय करने में व्यय करें। इसका निश्चित रूप से हमारे देश को और प्रदेश को लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है किस प्रकार से एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया जाता है, मातृभूमि के लिए लगाया जाता है। उनको आदर्श मानकर पिछले 1.5 सालों में मुख्य सेवक के रूप में मैं अपनी दायित्व और क्षमता का पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने योजना न बनाई हो या कार्य न किया हो। हम सबकी केयर करने पर विश्वास करते हैं। केयर शब्द का अर्थ है कमिटेड, अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, ई फॉर एफिशिएंट, अर्थात हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है और अपने कार्यों को दक्ष तरीके से करने का प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में सभी को रोजगार देना एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, पर फिर भी हमने यह प्रयास किया है कि जहां संभव हो सरकारी नौकरियों द्वारा या युवाओं को स्किल में बढ़ोतरी कर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर फिर स्वरोजगार संबंधी नीतियों को सरल बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को भली प्रकार जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जा सके। इस अवसर पर मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के युवा हमारा भविष्य हैं और हम युवाओं के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी का परिणाम है पहली बार भर्ती घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पारदर्शिता और समयबद्धता को भर्ती के आयोजन के लिए हमने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्दी ही 19000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, आप सबको यह जानकर हर्ष का अनुभव होगा कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने वालों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। आज उत्तराखंड के राजकीय स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार की योजना है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के सभी गांवों को वर्चुअल क्लासरूम से भी जोड़ा जा सके, जिससे इन छात्रों की शिक्षा के प्रकाश से दूर न रहें। भाइयों बहनों, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जनपद में बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की भी योजना है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा आपदा महामारी और दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना भी प्रारंभ की गई है। कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता खोने तथा वाले बच्चों के लिए हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, जिससे ऐसे बच्चों के भविष्य को भी संवारा जा सके। हमारी वात्सल्य योजना को पूरी देश में सराहा गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निशुल्क पैथोलॉजी और जांच व निशुल्क दवाइयां, गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कदम उठाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त 1064 ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दोनों पति पत्नी दोनों दंपतियों को इस योजना का लाभ मिले, इस योजना को भी हमने लागू किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, आंगनबाड़ी आशा बहनों, लोक कलाकारों के मानदेय में भी हमने वृद्धि की है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माणा गांव में आयोजित सीमांत गांव को देश का पहला गांव मानने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया तथा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी कही है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इन क्षेत्रों में पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टरों को विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना को स्थानीय लोगों के स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत पिछले समय में हमारे राज्य में 2,50,000 से अधिक घरों को रोशन किया गया है। हर घर को नल और नल से जल योजना के अंतर्गत
ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक रुपए पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, अन्नदाता की उन्नति से ही देश की प्रगति संभव है। इसे देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9,38,000 किसानों के खातों में 1,767 करोड़ की राशि अभी तक हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा किसानों को 3 लाख रुपए, महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना में 80% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि वर्तमान में प्रदेश में जैविक कृषि के 4,485 क्लस्टर संचालित है, जिनके उत्पाद के विपणन के लिए जैविक आउटलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं। सुगंध फसल आधारित एरोमा वैलियां विकसित किए जाने की योजना भी हमारी है। भाइयों बहनों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी तक केवल गोवा के अंदर यह कानून लागू है, उसके बाद उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता करने वाला दूसरा प्रदेश बनेगा। और इसके साथ साथ हमने इसके पीछे यह तर्क भी दिया था कि उत्तराखंड जहां दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, वहीं सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, साथ में प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना के अंदर अपना योगदान इस राज्य से देते हैं, इसलिए इस राज्य के अंदर यह समान नागरिक संहिता का कानून लगना चाहिए। उसके लिए हमारी कमेटी जो इस पर गठित की गई है, सेवा निवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, वो पूरे प्रदेश के अंदर जा रही है और लोगों से सुझाव भी ले रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ के जवानों ने हमेशा माँ भारती के शीश को उठा उठाने का कार्य किया है। मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले सैनिक पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस माटी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे वह समय भी याद है जब बिजली से हटकंडों के सामने हमारी सरकार मौन रहा करती थी, हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर दुश्मनों पर अपनी कार्रवाई नहीं कर पाते थे।